उसका केस पीएल पायल करके दर्ज किया था कि उसका केस को चलने नहीं दिया कि कोर्ट को दबदबा के केस को आगे बढ़ने नहीं दिया कि उसने आरोप दोषी ठहराया। मैं आप लोग का मीडियम से आज ये बताना चाहूंगा हमारा स्टेट का और देश का जितना आम जनता को ये बताना चाहूंगा कि उसका जो टोको सेटल अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन चार पर्सन ने जो आरोप और दोषी ठहराया हो पूरा झूठा है और हो गलत है। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि मैं इस पीडीएस का 2001 से लेकर 2007 तक मैं इस पीडीएस कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट था और पीडीएस का सिस्टम को एक एक पन्ना एक एक होर्ड में लीड किया था। पीएल पायल 2004 में होने का बाद काफी लोगों ने तकलीफ मिला, 2007 तक मैंने उसको हैंडल किया था। तो मैं पेमा खांडू जी को जो आरोप लगाया ये झूठा और गलत आरोप है, मैं इसलिए बोलना चाहूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि उस एंटर एफिशिएंट में मैं हैंडल किया था पीडीएस को, भारत सरकार तक मैंने हैंडल बात किया, देन चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू था, मैं इस डिपार्टमेंट में स्टेट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी में चेयरमैन भी था। एंटर उस एपिसोड में जब मैं पेमा खांडू का पीडीएस इन्वॉल्वमेंट में दूर दूर तक हवा तक नहीं है पेमा खांडू का।